इंदौर शहर में खजराना गणेश मंदिर मेले के बाद खजराना नाहर शाह वाली दरगाह पर गुरुवार से 3 दिवसीय उर्स और मेले का आयोजन किया जा रहा है। उर्स समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इस उर्स के मेले से जो धन अर्जित होगा वह गरीब बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च किया जाएगा। इस पहल की समाज ने सराहना की है तो वही अन्य आयोजकों को भी सीख मिलेगी। इंदौर शहर वैसे तो स्वच्छता में नंबर वन है लेकिन उत्सव मनाने में भी नंबर वन है। हर छोटे बड़े त्योहार और पर्व को यहाँ पर लोग बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाते हैं। खजराना नाहर शाह वली दरगाह पर खजराना दरगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान पटेल ने बताया कि 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु और जायरीन भाग लेंगे। डॉक्टर रिजवान पटेल ने बताया कि यहां हर धर्म के अनुयायी आते हैं और अपनी मांग मन्नत पूरी करते हैं। साथ ही मेले में लगने वाले झूले और 3 दिवसीय कव्वाली का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश विदेश से नामी कव्वाल अपनी कव्वाली पेश करेंगे। खजराना नायता पटेल समाज की तरफ से 3 दिन आने वाले मेहमानों के लिए लंगर का इंतजाम किया गया है। साथ ही पूरे मेले क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से बाउंसर और कमेटी के लोग तैनात रहेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था निशुल्क की गई है। वहीं इस उर्स मेले से जो धन अर्जित होगा वह गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च किया जाएगा। इस पहल की समाज ने सराहना की है तो वहीं अन्य आयोजकों को सीख भी मिलेगी। देखिए रिजवान पटेल साहब उर्स कमेटी के सदर है हमारे जो उर्स करवा रहे हैं और इनकी सब व्यवस्थाएं अच्छी है। चूंकि सिर्फ समस्या कहाँ आ रही थी कि कव्वाली का टाइमिंग की है और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका शब्दशः हमें पालन करना है। इसलिए पिछली बार कई क्या होता था 10 बजे रात तक कव्वालियाँ चला करती थी। चूंकि उस परंपरा को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अंतर्गत उसको हम सुधार करते हुए रोजाना 3-4 दिन जो कव्वालियाँ होगी वो शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे वाइंड अप कर देंगे प्रोग्राम को। और जब तक प्रोग्राम चलेगा ये, और इसलिए हम बताना चाहें हमारे जायरीन बंधु हैं और दुकानदार लोग हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये मैसेज चला जाए कि भाई हम ये प्रोग्राम इस टाइम कर रहे हैं ताकि वो अपने समय में सुधार कर सके। और हम सभी के दिमाग में चूंकि पेम्पलेट्स में 10 बजे का समय था इसलिए हम उसमें सुधार करना चाहते हैं कि 3 बजे से रात को 10 बजे तक प्रत्येक दिन प्रोग्राम होंगे। इसलिए हम खास तौर से ये बात आप लोगों के और जनता के सामने रख रहे हैं। दबाव नहीं है इसमें, जो भी बात है बच्चों के एजुकेशन की भी बात आती है और साथ में अगर मुख्यमंत्री जी हमारे, आप बोल रहे हैं आप बीजेपी के हो, हमारे संबंध अच्छे हैं, ऊपर भी हमारे नेता हैं, तो मेरा ये कहना अगर पालन हम ही नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा। तो पहले हम खुद पे लागू करें उसके बाद हम दूसरों को बोलें आप लागू कीजिए। नहीं तो ये जायरीन को ये पता करना पड़ेगा कि उस जो है कव्वाली जो है वो 3 बजे अब शुरू हो रही है, ये इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए करी गई है कि आप लोगों के माध्यम से, आप चौथा स्तंभ हैं, आप अपने आप का पावर समझिए कितना पावर है आपके अंदर, आप चौथा स्तंभ हैं आज की तारीख में। आज आपकी तरफ से जब मैसेज जाएगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, पूरे हिंदुस्तान और पूरी देश दुनिया में जाएगा। ये आपका डॉक्टर रिजवान पटेल अध्यक्ष दरगाह नाहर शाह, शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नया आदेश के अनुसार जो समय का एक प्रतिबंधित किया गया है कि 10 बजे बाद लाउड स्पीकर में हम कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का बयान या माइक में नहीं होगा, उसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया है। सभी ने, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, हमारी कमेटी भी हमारे साथ है और भी वरिष्ठ जनों से हमने बात करी, सबके सहयोग से ये निर्णय लिया गया है कि जो समय है कव्वाली का आज तक 10 बजे से बाद होता रहा था लेकिन उसको हमने चेंज करके दोपहर में 3 बजे से रात के 10 बजे तक कर दिया गया है, जिसके कारण जो असुविधा होती है बच्चों की पढ़ाइयाँ भी है, आने वाले अगले महीने में एग्ज़ाम से बच्चों की वो डिस्टर्ब होगी, तो हम नहीं चाहते किसी भी तरह की किसी को भी कोई समस्या हो, इस कारण ये निर्णय लिया गया है। और देखते हुए क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब का हम पालन कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, आप भी जानते हैं कि गणेश मंदिर पे भी अभी कुछ समय पहले 10 बजे शायद आरती बंद कराई गई थी और हम चाहते हैं कि जो नियम है वो सबके लिए रहें और एक जैसे रहें। धन्यवाद।